अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोइंग टू गिव अ रिव्यू ऑफ हायर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। सो बेसिकली आई हैव दिस मशीन फॉर लाइक लास्ट 3 to 4 years एंड आई हैड अपलोडेड अ रिव्यू लास्ट ईयर ऑल्सो। सो ये मशीन अभी तक तो बहुत अच्छी चल रही है। इसमें बीच में एक दो फॉल्ट्स आए थे। एक दफ़ा वारंटी में ठीक हो गया था जो फर्स्ट ईयर आया था, और वो भी छोटा सा माइनर एक सेंसर का प्रॉब्लम था। और जो दूसरा फॉल्ट था वो इसका ना जो ड्रेन का पाइप होता है उसमें आया था, लेकिन वो भी ठीक हो गया था कंपनी की तरफ से। उसमें आजकल हल्का सा फिर आ रहा है, लेकिन आई थिंक वो लॉकडाउन के बाद दोबारा सर्विस सेंटर से हमने कॉल की थी, लेकिन दोबारा हमने नहीं कॉन्टेक्ट किया। सो बेसिकली बात ये कि हायर का जो है ना आफ्टर सेल सर्विसेज वो काफ़ी अच्छी हैं, आपको पार्ट्स मिल जाते हैं। अगर यही मशीन एक इम्पोर्टेड हो, ऑल्दो ये भी इम्पोर्टेड है, चाइना से आई हुई है, बट ये है कि हायर ख़ुद डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसके पास हायर के पास इसके जो पार्ट्स होते हैं और बाकी चीज़ें होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। तो आपको ये नहीं होता कि आप किसी और मशीन का लगा रहे हैं पार्ट, या आप मैकेनिक को समझ नहीं आ रहा, मैकेनिक नहीं मिल रहा आपको इसको ठीक करने के लिए, तो वो प्रॉब्लम नहीं होता, उनका खुद ही होता है। उसके चार्जेस आई थिंक 600 चार्जेस होते हैं विजिट के, और बाकी जो पार्ट्स चलता है पार्ट रिलेटिवली 100-200 आप समझ सकते हैं। कंपनी की चीज़ कंपनी की होती है, महंगी होती है, बट स्टिल इस पर आज तक हमने कोई रिपेयर पे अराउंड 1500-2000 मैक्सिमम लगा होगा 3-4 years में। सो बाकी इस मशीन में बेसिकली ये जो मॉडल है वन टच मॉडल है, सो इसमें ये वाली जो ऑप्शंस होती है ना ये कम होती हैं। बाकी मशीन्स में अगर इसी हायर कंपनी में जाऊँ मैं तो उनमें पूरा पैनल ही लाइक बटन से भरा होता है, तो ये बस प्लग एंड प्ले है। आप पावर का बटन दबाएँ इसको और प्ले कर दें, इससे मैंने प्ले कर दिया तो ये खुद ही कपड़ों के लोड के हिसाब से पानी सेट कर लेता है, सब कुछ सेट कर लेता है। मैंने इसको पॉज कर दिया, ऑफ कर देते हैं। सो इस मशीन में ये देखें, ये डिटर्जेंट डालने की जगह है, लेकिन हार्डली मैंने इसको कभी यूज़ किया हो या घर वालों ने कभी इसमें डाला हो। हम बेसिकली कपड़े डाल के ना ऊपर ही फेंक देते हैं या साइड पर रख देते हैं, क्योंकि यहाँ वाला हिसाब जो खुद करता है ना वो बेसिकली एक वॉश में सारा ही ले लेता है, तो इस पे साइड पे डाल दिया और सेट हो गया। और ये मशीन लेने वक्त हमने ये मॉडल इसलिए चूज़ किया था, काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स आते हैं हायर में, क्या कहें आप। तो इसके अंदर जो चूज़ करने की वजह ये थी कि इसका ये जो फ्रेम है ना, ये देखिए ये स्टील का है, जबकि बाकी जो होते हैं वो जो इसका टब होता है वो प्लास्टिक के थे। लाइक ऊपर से तो प्लास्टिक का है, लेकिन उनके ये भी प्लास्टिक के थे। तो मेरे फादर साथ थे, उन्होंने कहा था कि ये जो स्टील वाला है ना ये थोड़ा मज़बूत लगता है, बेहतर लगता है। सो मैं भी यही आपको रिकमेंड करूँगा कि वाकई में ये बेहतर बात है। प्लास्टिक का ना यू नो विद टाइम वो थोड़ा ना आउटलुक भी देने लग जाता है। वैसे इसका खैर प्लास्टिक अभी भी इतना बुरा नहीं है, ठीक ही लुक दे रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक ही है। सो बट स्टिल अगर ये स्टील में ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब बात आते हैं इसके ऑप्शंस पे, जैसे कि यहाँ से बेहतर व्यू आ जाएगा। अच्छा, जैसे कि इसको मैं अगर ऑन करूँ तो ऑप्शन से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये पहला है डीप क्लीन का, दूसरा अगर मैं इसको पहला है नॉर्मल का, सॉरी ये देखिए नॉर्मली ऑन, मतलब कि ये ऑन रहती है। पहला नॉर्मल का था, इसका हैवी, मतलब कि आपने हैवी सर्दियों के कपड़े वगैरह डाल दिए उसके लिए। इसमें सिर्फ स्पिन होगा, देखिए इसमें टाइम भी कम आ रहा है 10 मिनट। आपके पास गीले कपड़े हैं या आपने देखा यार, एक तो इस मशीन में एक और ऑप्शन है कि लाइट जाती है ना अगर, तो लाइट ये पॉज हो जाती है खुद ही, और लाइट आने पे खुद ही वहीं से कंटिन्यू स्टार्ट करती है। ये नहीं कि जीरो से करना पड़ेगा या आपको दोबारा आके बटन दबाना पड़ेगा। सो ये फुली ऑटोमेटिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है सच। ये स्पिन पे देखिए 10 मिनट्स का टाइम आ रहा है। एक है क्विक, अगर आपने कोई जल्दी से कुछ कपड़े धोने हैं या ऑलरेडी धुले हुए हैं, बस एक दफ़ा ही आप चाहते हैं निकाल के, तो उसमें ये पानी भी जल्दी भरता है, और पानी आहिस्ता आहिस्ता ये इसलिए भरता है क्योंकि ताकि बाकी घर में जो पानी का फ्लो, लेट्स से आप किचन में भी यूज़ कर रहे हैं या बाहर कहीं यूज़ हो रहा है गार्डन वगैरह में, तो उसका फ्लो भी ख़राब ना हो, इसलिए आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता भरता रहता है पानी। क्विक में वो थोड़ा जल्दी भर लेता है। फिर अगर मैं वापस ऊपर जाऊँ, अब ये देखिए ये फ्लैश चल रही है, इसका मतलब है ये वाली अब लेफ्ट साइड वाली ऑप्शंस अनेबल हो गई हैं, राइट साइड वाली नहीं। राइट साइड पर जब होता तो ये सिर्फ एक दफ़ा जलती रहती है। अब ये आ गया डीप क्लीन पे, कि आपने बहुत इस पर देखिए टाइम कितना आ रहा है, 89 मिनट्स, ये अराउंड 1.5 घंटा बनते हैं। अब 1.5 घंटा बनते हैं तकरीबन ना, पानी डालने में भी 10-15 मिनट लगाते हैं तो 2 आवर्स लगा ही देता है। डीप क्लीन मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी तरह धोना है। वूल, अगर आपके कपड़े वूल के डेलिकेट होते हैं तो उसके लिए ऑप्शन, डेलिकेट है कपड़े, मैं ज़्यादा कर नए कपड़े वगैरह हो
या नए कपड़े, नए कपड़े होते हैं या कुछ नाजुक कपड़े हो गए कॉटन वगैरह के, एक तो उनको डालते भी थोड़ा कम है और ये डेलिकेट पे कर देते हो। इसमें होता है कि वो ज़्यादा टेंगल्स नहीं हो जाते। कौन नई टेक्नोलॉजी है इसमें, ये टेंगल फ्री नहीं है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ले रहे हैं ना और पैसे हैं तो टेंगल फ्री वाली टेक्नोलॉजी ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये टेंगल्स कपड़ों में ना मतलब कि वो ना आपस में टेंगल को उर्दू में कहते हैं गुंजल आ जाते हैं, वो आपस में इतने ज़्यादा टाइट हो जाते हैं कपड़े की निस्त मारी जाती है, ख़राब हो जाते हैं सारे। तो ये टेंगल फ्री टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो टेंगल फ्री टेक्नोलॉजी लीजिएगा। अब ये एयर ड्राई, मैंने ऐसे इसको ऑप्शन को कभी देखा नहीं है, लेकिन आई थिंक ये कोई ड्राई करने की ऑप्शन होगी, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। सो बेसिकली ज़्यादा कर हमने तो भाई पावर का बटन दबाया, प्लग एंड प्ले किया और ये स्टार्ट कर दिया, तो वो ऑलरेडी खुद ही सेट कर लेता था। अच्छा, एक और मैनुअल प्रोसेस है यहाँ पे कि अगर आप खुद देखना चाहते हैं वाटर लेवल, अब ये देखिए वाटर लेवल पे अगर मैं सेट करना चाहूँ 7, 8, 9, मेरे ख्याल से 10 तक होता है, 10 तक, ठीक है। तो ये वाटर लेवल आपको पता चल जाता है कि 6 में कहाँ तक होता है इसका। लेट से खुद ये डिसाइड सही तरह नहीं कर पाया कभी, या आप चाहते हैं कि मुझे पता है भी इतने कपड़ों के लिए इतना होना चाहिए, अगर आपके पास मतलब कि ज़्यादा ही टाइम है और आप मशीन को मॉनिटर करना चाहते हैं। मैं पहले शुरू में काफ़ी टाइम होता था करता था, उसके बाद मैंने इस पर बॉदर नहीं किया। वाटर लेवल आप सेट कर सकते हैं वॉश टाइम, कि आप वो कहते हैं नहीं यार इतनी देर तुम ना उसको वॉश टाइम होता है ना घुमाता रहता है, जैसे मैनुअल मशीन में भी वो क्लॉक लगा देते थे, तो ये वो वाला वॉश टाइम है। नहीं, वॉश टाइम आप 20 मिनट्स तक लेके जा सकते हैं। रिंस टाइम मतलब कि कितनी दफ़ा आपने कपड़ों को पानी से निकालना है, यूजुअली 2 दफ़ा निकालते हैं, मतलब कि एक दफ़ा पूरा पानी डालेगा और एक दफ़ा तो सर्फ से धो देगा, फिर दोबारा पानी डालेगा और कपड़ों को अच्छी तरह हिलाएगा और फिर पानी को ड्रेन कर देगा, फिर दोबारा पानी डालेगा और उसको कर देगा। अगर आपको कहते हैं कि नहीं मुझे तो भाई ये वाले कपड़े ज़्यादा ही रिंस चाहिए, तो आप 3 दफ़ा भी कर सकते हैं। स्पिन टाइम, इसमें आप खाली स्पिन टाइम भी सेट कर सकते हैं, इन कपड़ों को ज़्यादा देर स्पिन करना है सो आप सेट कर सकते हैं कितना टाइम, और फिर डिले कितना होना चाहिए बीच में। आई डोंट नो इसको एग्जैक्टली क्या मतलब है, मतलब कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में डिले कितना होगा और फिर आप इसको प्ले कर देंगे। तो ये एरर इसलिए आ गया क्योंकि मशीन का ये हेड खुला हुआ है। सो इसके हेड पे हमने बेसिकली कवर लगा दिए थे क्योंकि ये ग्लास का है, वैसे ऐसे कभी टूटा तो नहीं, लेकिन हमने कहा कुछ भी हो सकता है क्योंकि पहले ना मेड वगैरह भी यूज़ करती थी, तो होता है कि अगर ज़ोर पड़ भी जाए ना तो बबल है तो बच जाता है। बेसिकली इस मशीन का मॉडल भी ये है HWM 110 1789। आई थिंक ये मॉडल स्टिल आ रहा है क्योंकि आपको पता है ना हर मॉडल भी कामयाब नहीं होता। सो अगर इसका हम देखें इनपुट और आउटपुट में, सिर्फ इनपुट एक चीज़ की है, वो है पानी, वो पानी लेगा। ये देख लें ये पानी इस टैप से आ रहा है, ये टैप स्पेशली लगवाना पड़ता है और इसके आगे फिल्टर हो जाता है, लीकेज वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होता फिर। और वो देखिए वो ड्रेन है जिसको टेप सी लगी हुई है, तो वो ड्रेन में इसका पाइप जा रहा है, आम जिस तरह हमारी बाकी मैनुअल वॉशिंग मशीन्स का भी नहीं होता पाइप जिससे पानी निकलता है, ये भी उस तरह की ड्रेन है। तो और स्टैंडिंग मॉडल, दो तरह के मॉडल्स होते हैं ना, एक होता है स्टैंडिंग मॉडल और दूसरा होता है जिसके यहाँ पे होती है ऑप्शन। तो वो जो यहाँ वाला होता है ना वो उनके उन घरों के लिए होता है जहाँ पे आपने आपके पास कबर्ड होती है, इस तरह ये कबर्ड है एक छोटी सी, तो अगर आपने दीवार में इस तरह बीच में रखना है ना तो वो उसके लिए होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि हम पहले से हमारे घरों में जगह नहीं बनाई जाती, बाहर ही होता है कि वहाँ पर जगह बनी होती है, तो जस्ट मशीन को लाके ना वो कबर्ड्स के अंदर लगा देते हैं, फिट हो जाती है और वो यहाँ से कपड़े डाल देते हैं और उनका ना फिर वो ऊपर लेवल पे होता है, वो इस तरह ऊपर से उठाते हैं। लेकिन ये वाली जो है ना ऊपर से डालना है, अगर हमारे पाकिस्तानी मॉडल के हिसाब से देखें तो ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें झुकना भी नहीं पड़ता, ऊपर से निकाला ऊपर से डाला, उसमें झुक झुक के आपको ना एक उम्र में आपको फिर पता चल जाएगा कि नहीं झुकने वाला काम नहीं करना चाहिए, बिला वजह नहीं करना चाहिए, वैसे एक्सरसाइज वगैरह में करें। और जो इसमें डिटर्जेंट वगैरह है, हायर हुड इटसेल्फ तो अपने सारे को ब्रांड है उसको एडवर्टाइज़ करता है कि इसके ही डालें, लेकिन डिटर्जेंट वगैरह मैं तो इसमें और मेरे घर वाले भी बोनस यूज़ करते हैं, पहले दूसरे महंगे वाले यूज़ करते थे, अब लाइक एक केजी का पैक है और कपड़े भी बिल्कुल सही धुल जाते हैं। हमारे भी फैमिली में मतलब सेंसिटिव लोग हैं स्किन में कि कपड़ा भी पता चल जाता है उनको गंदा वगैरह हो, तो 1 kg का पैकेज अराउंड आई थिंक 120 कुछ का था जब मैं शुरू में लिया था, मैं लेता था, उसके बाद मैंने अब वर्कर्स वगैरह ले आते हैं तो 5 रुपये बढ़ा होगा, इस तरह करके इंक्रीमेंट होता है इनकी प्राइसेस में। लेकिन जो बाकी अगर हम देखें ना बाकी ब्रांड्स के इवन जो डिटर्जेंट के पैक हैं तो 1 kg का 220 के हैं, 320 के हैं और इतना डिफरेंस नहीं होता।
और ना मशीन को इससे कोई प्रॉब्लम होती है। लाइक हमारे पास एक डिश वॉशर है, उसमें सुना है कि नहीं आपने डिटर्जेंट जो है अच्छा डालना है जो सोप है, नहीं तो उसकी वो लाइंस वगैरह में प्रॉब्लम आ जाता है। सो अभी जस्ट वो न्यू आया तो उसका इतना पता नहीं, लेकिन हम उसमें अच्छे वाले डाल रहे हैं। लेकिन ये मशीन तो काफ़ी यू नो हैवी लगती है, और इसके अंदर ये दो फिल्टर्स भी होते हैं। ये देखिए इसमें मुझे उम्मीद है काफ़ी ज़्यादा गंद होगा। सो ये देखिए ये ना बेसिकली आपको तो लग रहा होगा कि कारपेट है, लेकिन ये कारपेट नहीं है, ये कपड़ों के जो छोटे छोटे होते हैं ना धागे वगैरह, तो ये उसको कैच कर लेता है, ठीक है। और ये फ़िल्टर है, मतलब कि आपको ये एक दफ़ा वन टाइम में ख़रीदने वगैरह नहीं पड़ते। इसको खोला आपने और इसको साफ़ किया और दैट्स फाइन, और ये आसानी से फिट भी हो जाता है। और जहाँ तक हवाले से बात है इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम करता है, तो इसमें अब इन्वर्टर टेक्नोलॉजी भी आ रही है। आई डोंट नो इफ़ इट इज़ इन्वर्टर और नॉट, आई डोंट थिंक सो कि इन्वर्टर है, क्योंकि उस वक्त में ना अराउंड 3 to 4 years इन्वर्टर की इतनी ज़्यादा हाइप नहीं थी, तो अब इन्वर्टर भी आ गया, तो ऑब्वियसली बात है वो ज़्यादा सेव करेगा इलेक्ट्रिसिटी। आई डोंट थिंक कि हमें कोई ख़ास फ़र्क महसूस हुआ हो कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम कर रहा है, सो आई डोंट थिंक कि ज़्यादा करता होगा। बाकी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी तो ऑलवेज़ मूव फॉर बेटर टेक्नोलॉजी। लेकिन हाँ ये कि इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब कि देखिए अगर मैं आपको सुनाऊँ, ऑफ सो ये जो आवाज़ है, मतलब कि अगर आपके रूम से थोड़ा सा दूर पड़ी मशीन, मतलब 2 कमरे दूर, अगर सर्दियों में तो आपको रूम के अंदर आवाज़ आएगी, गर्मियों में अगर AC या फ़ैन चल रहा है तो फिर अंदर आवाज़ नहीं आती। लेकिन रात के टाइम हम भी नहीं चलाते, लेकिन कभी कभार होता है कि बंदे ने डाल ही दी होती है कि यार चाहिए रात के टाइम, कपड़े डाल दिए, घंटे 2 घंटे बाद अगर कोई उठेगा तो वो निकाल लेगा, तो आवाज़ आती है। अगर आपका इस मशीन के हवाले से कोई क्वेश्चन है, एनी अदर क्वेश्चन दैट आई हैव नॉट कवर्ड सो फार, सो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट्स, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज दैट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोज रिगार्डिंग दिस एंड अदर स्टफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।